नागपूर शहरापासून 16 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कामठी शहरातील नया बाजार परिसरात जवळपास 200 वर्षापेक्षा जुने जागृत देवी मंदिर आहे. तर हे मंदिर कालीमाता मंदिर नावाने प्रचलित आहे. मंदिर गाभाऱ्यामध्ये विराजमान 2 विशाल भव्य देवी मूर्त्या स्वयंभू विराजमान आहे. तर या मंदिरातील दंतकथा देखील जुळलेली आहे. मंदिर परिसरातील पुजारी संतोष मिश्रा सांगतात की या मूर्त्या अंदाजे 200 वर्षापूर्वी जमिनीतून स्वयंभू निघाल्या होत्या. इतिहासात जमा झालेली ही घटना असून या कालीमाता मंदिरात 2 देवींचे रूप विशाल आणि भव्य आहे. तर नागरिकांच्या सांगण्यावरून या मंदिरातील देव्या 200 वर्ष जुन्या असून याआधी लहान असल्याचे सांगण्यात आले. हळूहळू या देवीच्या प्रतिमेत वाढ होते आणि याची उंची फार विकराल झाली आहे. 1 दशक आधी भाविकांच्या पूजा अर्चनानंतर या देवीची वाढ थांबल्याचे बोलले जाते. तर वर्षातील 12 महिने या मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी असते. तर नवरात्री काळात हजारोच्या संख्येने या ऐतिहासिक देवी मंदिरात दर्शनासाठी भाविक येतात. श्रद्धेच्या भावनेने मंदिरात मागितलेले साकडे पूर्ण होत असल्याने या देवीला सिद्धी महाकाली नावाने देखील ओळखले जाते. तर मोठ्या संख्येत भाविकांची आस्था मंदिराशी जुळली आहे. लगभग सुनने में आता है कि 200 वर्ष पुराना है और यहाँ जो मूर्ति प्रकट हुई है ये जमीन से प्रकट हुई है और जमीन से प्रकट होने के साथ साथ ये धीरे धीरे अपना विकसित रूप करते जा रही थी. इतना विकसित रूप कर रही थी कि इसका विकराल रूप देख के हम यानी भक्त लोग भी घबरा गए कि मातेश्वरी अगर आप बार बार विकराल रूप लोगी तो हमारे पास जगह ही नहीं है, इस प्रकार की जगह ही नहीं है कि आपको शरण दे सके. तो इसलिए उनको रोकने के लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ी. प्रार्थना करने के बाद में किसी व्यक्ति ने बताया कि भाई ऐसा सुनने में आया था कि भाई कोई व्यक्ति ने झाड़ू लगा दिया था जिसके वजह से मूर्ति स्थापित यानी वहीं पर ही रुक गई. फिर यानी उसका स्वरूप बड़ा नहीं, लेकिन आज भी इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि लोगों के कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं. इसीलिए इसका नाम सिद्ध महाकाली रखा गया है. ये सारे विश्व में यहाँ पर जो है इस इलाके में इतनी प्रसिद्ध है कि हर छोटे से बच्चे से बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान जो भी है, जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. वीकेबी न्यूज साठी कामठी येथून नितिन रावेकर यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.